ये है दिल्ली दर्पण। मैं मौजूद हूं दिल्ली के मुखर्जी नगर में, आईएएस फैक्ट्री कही जाती है मुखर्जी नगर, और ठीक उसी हाउस 1041 के सामने खड़ा हूं जहां से आज एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां पर एक छात्रा ने आज आत्महत्या कर लिया। और आत्महत्या के बाद कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन हमारी टीम, दिल्ली दर्पण टीवी की टीम मौके पर पहुंची तो कई अहम जानकारियां आज हमारे पास लगी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो हाउस नंबर 1041 है, इसको लेकर के कई तरह की बातें हुई। कई लोग जो है इसे गर्ल्स पीजी, गर्ल्स हॉस्टल बता रहे थे, लेकिन जैसा कि हमने ऑफ कैमरा ऑनर से बातचीत करने की कोशिश की तो ऑनर ने साफ तौर से इनकार किया कि ये कहीं किसी तरह की गर्ल्स पीजी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो छात्रा रहती थी वो रेंट पर रहती थी। और जो बातें लगातार निकल कर सामने आई कि यूपीएससी का अटैम्प्ट उन्होंने दिया था और उसमें फेल हो जाने के बाद उन्होंने आत्महत्या की, तो ये जो है, ये जो खबरें लगातार चल रही हैं ये बिल्कुल निराधार है। जो बातें हमारे सामने आई कि मेरठ की रहने वाली स्वाति गोडारिया बीते 3 महीने पहले इस मकान में रहने के लिए आई और उसके बाद लगातार वो जॉब करती थी। जैसा कि ऑनर ने बताया, वो स्टूडेंट नहीं थी, वो सिविल सर्विसेज की तैयारियां नहीं कर रही थी, वो जॉब कर रही थी स्वाति। और उसके बाद उनका अपना इंस्टाग्राम हैंडल और यूट्यूब चैनल था, अपने लाइफ की जो जानकारियां, जो अपडेट्स होती थी लगातार वो पोस्ट करती थी। और उसके बाद अगर बात करें 16 अप्रैल की रात को, तो उसकी एक नज़दीकी फ्रेंड प्रियम उनसे मिलने के लिए रात में पहुंची और अहले सुबह आज तकरीबन 3 बजे का वो समय रहा होगा जब स्वाति गोडारिया इस मकान से नीचे कूद जाती है और उसकी जान चली जाती है। और अगर बात इस पूरे घटनाक्रम की करें तो ना सिर्फ सुसाइड बल्कि कई ऐसे पहलू भी सामने निकल कर आए जिससे कड़ी जुड़ती चली गई। स्वाति गोडारिया 3 महीने पहले मेरठ से यहाँ पर आई, ना तो उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया ना ही किसी और तरह की पढ़ाई वो यहाँ पर करती थी। जैसा कि ऑनर ने हमें बताया कि स्वाति गोडारिया की एक दोस्त प्रियम थी और बेहद ही नज़दीकी रिश्ता उसका प्रियम के साथ था, और कल रात और आज सुबह अहले सुबह वो इस मकान के छत पर से गिरकर कूद कर अपनी जान दे देती है। और उसके बाद लगातार ये बातें तैर रही थी हवा में कि यूपीएससी एग्ज़ाम के रिजल्ट कल जारी हुए और कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे थे कि यूपीएससी में फेल करने के कारण स्वाति गोडारिया ने आत्महत्या कर ली। लेकिन हमारी छानबीन में जो कुछ निकल कर सामने आया कि स्वाति गोडारिया का अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ पर्सनल इश्यूज था और इसी को लेकर के बीते 3 महीने से वो टेंशन में रह रही थी। हालांकि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन लगातार एक स्टूडेंट होने के नाते उसके ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे थे उसका आज खंडन हो गया। हमने बातचीत करने की कोशिश की और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी वो, और उनकी एक फ्रेंड प्रियम का लगातार मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो इस पूरे घटना की आई विटनेस है। कल देर रात वो यहाँ पहुँची, कल रात लगातार वो स्वाति गोडारिया के साथ इसी घर में अपने कमरे में मौजूद थी। 3 महीने से अधिक का वक्त था जब स्वाति यहाँ पर पहुँची, और स्वाति का जो बैकग्राउंड रहा वो एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं रहा। 29 ईयर्स की जो है स्वाति गोडारिया थी और यहाँ पर रहने के लिए आती थी। तकरीबन अगर उनके रूटीन की बात करें तो रोज़ वो सुबह ऑफिस जाती थी, जैसा कि ऑनर ने बताया, और ऑफिस से आती थी। क्या गतिविधियाँ चल रही थी, क्या हलचल चल रही थी, फिलहाल इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, एक बात जो ज़रूर ये तय हो गया कि यूपीएससी वाली कहानी और फिर परीक्षाओं को लेकर के आत्महत्या वाली जो एंगल इसको देने की कोशिश की जा रही थी वो नहीं है। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में देखना होगा कि जब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैरप्शन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।